अंधेरे में आसमान की तरफ चमकते ला तादाद तारों को देखकर एक ख्याल तो हम सबके जहन में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर जिंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी जहन कबूल नहीं करता। और फिर ये ख्याल आता है कि अगर वाकई जिंदगी सिर्फ अर्थ पर ही है तो फिर इन करोड़ों चमकते तारों का आखिर मकसद क्या है? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान मुसलसल जुस्तजू कर रहे हैं और अभी तक अरबों डॉलर भी खर्च कर चुके हैं। स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के अंदर जिंदगी पाई जाती है कि नहीं? अगर पाई जाती है तो आखिर वो एलियंस दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं? ये जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो वाहिद सैयारा था जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब था। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था कि इसको चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना है। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे जिनको चांद के करीब पहुंचने में पूरे 68 आवर्स लग गए थे। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान इनको कोई अजीब चीज तो नहीं दिखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ राइज देखा था। यानी जैसे हम सनसेट और सनराइज देखते हैं, वैसे ही इन्होंने अर्थ राइज देखा था और इस हसीन मंजर की फोटो भी पहली बार ही अपोलो 8 से ली गई थी। इस मिशन के अगले ही साल यानी जुलाई 1969 में नासा का स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पे लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रांग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा था। ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस अर्थ की तरफ रवाना हुए। नासा का कहना है कि क्योंकि चांद पर ना ही हवा चलती है और ना ही वहाँ ऑक्सीजन है, इसी वजह से आज भी वहाँ एस्ट्रोनॉट्स के जूतों के निशानात मौजूद हैं। नासा के मून मिशन के दौरान तो किसी को भी एलियन नजर नहीं आए, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो मुसलसल हमें चांद की फोटोज भेजती है, उसमें काफी कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मानना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फोटोज में ऐसे कई स्पॉट्स देखे गए हैं जहां अंडरग्राउंड एलियंस के होने का खदशा है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फोटोज में चांद पर एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जिसमें एक अजीबो गरीब किस्म की बिल्डिंग नजर आ रही थी। स्कॉट का मानना है कि ये चीज चांद पर दिखने वाली बाकी तमाम चीजों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है और ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगती। जब स्कॉट ने अपनी ये रिसर्च पब्लिश की तो उसके बाद जो हुआ वो यकीन करना मुश्किल था। चंद ही दिनों के बाद जब नासा ने चांद की फोटोज अपडेट की तो वो बिल्डिंग नुमा चीज वहाँ से गायब हो चुकी थी। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पे किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर ये बिल्डिंग नुमा चीज यहाँ से गायब कैसे हो गई? या तो नासा ने उस स्पॉट को एडिट करके छुपा दिया है, या फिर वाकई चांद पर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। बात सिर्फ चंद फोटोज में दिखने वाले स्ट्रक्चर्स की ही नहीं है। साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें अर्थ से नजर नहीं आती, वहाँ एक बहुत बड़ा एरिया मिला है जो चांद के बकाया हिस्से से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। देखने में तो ये एरिया सिर्फ डिफरेंट ही लग रहा था, लेकिन तहकीक के बाद जो मालूम पड़ा वो और भी ज्यादा हैरत अंगेज था। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का ये हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और ये उस मिट्टी से नहीं बना हुआ जो नील आर्मस्ट्रांग लेकर आया था, बल्कि ये एक मेटल से बना हुआ है। साइंसदानों का तो मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया है। लेकिन कई रिसर्चर्स इस बात को नहीं मानते, क्योंकि अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकराता तो चांद 2 टुकड़ों में टूट चुका होता। उनका मानना है कि मेटल से बना चांद का ये हिस्सा यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है। चांद से हटकर अगर मार्स की बात की जाए तो अभी तक
हम 21 रोबोट्स मार्स पर भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, वो जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 सालों के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ से काफी ज्यादा करीब हो जाता है, और उस दिन ये डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है। ये डिस्टेंस भी कोई इतना ज्यादा कम नहीं है। अर्थ से मार्स तक अभी तक जो भी रोबोट्स भेजे गए हैं, उनको वहाँ पहुँचने में पूरे 7 महीने लग जाते हैं। मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 रोबोट्स तो वहाँ लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गए, जबकि सिर्फ 4 रोबोट्स ऐसे हैं जो वहाँ कामयाबी से लैंड कर गए और अभी तक मिशन पे हैं। इन रोबोट्स ने अभी तक हमें मार्स की जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि उनको मार्स की फोटोज में छोटे पैरामिड्स भी दिखे हैं, यानी पैरामिड्स जिन्होंने अर्थ पर ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है, ऐसे ही छोटे साइज के पैरामिड मार्स पर भी देखे गए हैं। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पैरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने खास तौर पे ये छोटा पैरामिड यहाँ बनाया है, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे पैरामिड्स बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर, जिसको बनाने में नासा के $2.5 अरब खर्च हुए थे, उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी हैं। ज्यादातर फोटोज में सिर्फ पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद फोटोज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन फोटोज में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है। इन फोटोज में से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। या तो ये एक इत्तफाक है, या जैसे एंशियंट इजिप्शियंस बड़े बड़े स्टैचूज बनाया करते थे, वैसे ही एलियंस ने भी ये यादगार स्टैचू मार्स पर बनाया है। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने और शेडोज बनने की वजह से ये एक शक्ल दिख रही है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और पिक्चर ने हलचल मचा दी, जिसमें मार्स पर एक हड्डी पड़ी भी दिखाई दी। इस हड्डी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी छोटी हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी हो जो वक्त के साथ साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसी हो चुकी है। चले ये मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटो में तो एक पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के रिलीज होते ही इंटरनेट पर एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। एलियन रिसर्चर्स का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो यहाँ एलियंस का बसेरा है या कभी हुआ करता था। और ये बात नासा की रिसर्च से भी साबित हो चुकी है कि मार्स पर किसी दौर में जिंदगी हुआ करती थी। अभी इस एलियन खोपड़ी से मामला निकला ही नहीं था कि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर की एक और फोटो ने धूम मचा दी। इस फोटो में एक ऐसा पत्थर देखा गया जिसकी शक्ल अर्थ पर मौजूद मछलियों जैसी थी। ऊपर से लेकर नीचे तक हूबहू मछली जैसा दिखने वाला पत्थर, और वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर आखिर क्या कर रहा है? मार्स पर मौजूद रोवर्स की मदद से मिलने वाली इंफॉर्मेशन में ये तो साबित हो चुका है कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह हरा भरा सरसब्ज हुआ करता था, और यहाँ बड़े बड़े समंदर होने की भी निशानियाँ मिल चुकी हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये समंदर अभी भी मार्स की जमीन के नीचे ही जमे हुए हैं, जिस पर मजीद तहकीक हो रही है। 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त की एक फोटो कैप्चर की, जिसको देखकर मार्स पर एलियंस के होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फोटो में एक चट्टान के अंदर से लाइट आती देखी जा सकती है। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद एलियन रिसर्चर्स का कहना है कि ये मार्स पर एलियन एक्टिविटी का मुंह बोलता सबूत है। ये तो हम इंसान बोल रहे हैं कि मार्स एक बंजर प्लेनेट है, असल हकीकत क्या है ये शायद हमारे लिए जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। मार्स पर कई फोटोज ऐसी भी कैप्चर की गई हैं जिसमें स्टैचूज देखे जा चुके हैं। 2018 में कैप्चर होने वाली इस फोटो में पत्थर से बना स्टैचू का फेस वाजे तौर पे देखा गया, जबकि 2015 की एक फोटो में दूर
पहाड़ पर एक फीमेल का स्टैचू भी देखा गया। एलियन रिसर्चर स्कॉट वेरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा है कि मार्स की फोटोज पे जितनी ज्यादा रिसर्च हो रही है उतने ज्यादा सबूत भी मिल रहे हैं। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर मौजूद एलियंस हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि एक फोटो में उन्होंने मार्स पर एक इंजन पड़ा हुआ भी देखा है जिसके ऊपर मिट्टी की तह जमने की वजह से वो दूसरे पत्थरों के कलर जैसा दिख रहा है। या तो ये कोई इंजन ही है या किसी एलियन यूएफओ का टूटा हुआ हिस्सा, या फिर ये सिर्फ एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है ZMTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।